वेलकम टू द आशिमा शो। सिंस सेंचुरीज दुनिया भर में मिल्क हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड ये एक ऐसी वंडर मील है जो कि अपने आप में कंप्लीट डाइट है। एक कप काऊ मिल्क हमारी बॉडी में 18 ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस गुणकारी दूध के साथ जुड़े हैं कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड कॉन्ट्रोवर्सीज जिसके बारे में हम कभी कभी सोचते जरूर है पर क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि हमें बफलो मिल्क पीना चाहिए या फिर काऊ मिल्क? क्या बाजार में मिलने वाला दूध खराब है? क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं दूध पीने से और दूध पीने का सही तरीका क्या है? कहने का मतलब आपके बहुत ही काम की होने वाली है आज की वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ज्यादा फायदेमंद है, बफलो मिल्क या फिर काऊ मिल्क। एशियन कंट्रीज में मोस्टली बफलो मिल्क ज्यादा होता है एंड वेस्टर्न कंट्रीज में काऊ फार्म ज्यादा होते हैं। कमिंग टू इंडिया विलेजेस की बात करें तो वहाँ बफलो ज्यादा होती है और काउस कम। बट स्लोली इन इंडिया ऑल्सो काउ मिल्क इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। दूध दोनों ही अच्छे हैं पर अलग हैं। कैसे? देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। बफलो मिल्क में 10-15% के अराउंड प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है। अगर एक कप यानी कि 250 ग्राम काउ मिल्क में 8 ग्राम प्रोटीन है तो बफलो मिल्क में अप्रोक्स 9.5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर बात करें फैट की, बफलो मिल्क में फैट एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही ज्यादा होते हैं इसलिए मिल्क थोड़ा ज्यादा थिक होता है। ऑन द अदर हैंड काऊ मिल्क में दोनों ही चीजें कम होती हैं जिसकी वजह से काऊ मिल्क पतला होता है। विच मीन्स अगर आपको वेट गेन करना है तो प्रेफर्ड सोर्स बफलो मिल्क, अगर करना है वेट लॉस तो प्रेफर्ड सोर्स होगा काऊ मिल्क बिकॉज ऑफ इट्स फैट कंटेंट प्रेजेंट। लेकिन अगर आपके पास चॉइस नहीं है और आपको बफलो मिल्क ही यूज करना है क्योंकि काऊ मिल्क की अवेलेबिलिटी नहीं है तो नॉन फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। नॉन फैट मिल्क में कैलोरीज इनटेक कम हो जाएगा ऑलमोस्ट काऊ मिल्क इक्वल एंड गुड थिंग इज प्रोटीन वही रहेगा। अगर बात करें कैल्शियम कंटेंट एंड विटामिन ए की तो ये दोनों ही बफलो मिल्क में ज्यादा है एज कम्पेयर टू काऊ मिल्क। काऊ मिल्क के कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर नियर टू मदर्स मिल्क। न्यूबॉर्न बेबीज को अगर मदर मिल्क के अलावा मिल्क फीड करना हो तो इट्स ऑलवेज प्रेफर टू गिव काऊ मिल्क ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए क्योंकि फैट कंटेंट कम होता है। एंड आफ्टर सर्टन एज ऑल्सो जब डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है उस वक्त भी हम शिफ्ट करते हैं बफलो मिल्क से काऊ मिल्क पर। आपने देखा ही होगा काऊ मिल्क इज लिटिल येलोविश इन कलर, दैट्स बिकॉज ऑफ सल्फर कंटेंट इन इट। सल्फर इज वेरी गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। सो इन शॉर्ट न्यूट्रिशनली बोथ द मिल्क काऊ एंड बफलो आर कंप्लीट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट्स जस्ट दैट कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और आपकी बॉडी की नीड क्या है, बेसिस दैट यू कैन चूज। अब बात करते हैं मिल्क के साइड इफेक्ट्स की। वर्ल्ड वाइड 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो कि दूध को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, दैट्स बिकॉज दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। द रीजन इज बेबीज हैव अ लॉट ऑफ लैक्टोज इन देयर सिस्टम जिससे कि वो मिल्क शुगर लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उनको मिल्क इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। बट एज वी ग्रो ओल्डर हमारी बॉडी लैक्टोज एंजाइम्स कम प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से एक दिन में लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग 150 ml से ज्यादा दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एंड दिस लैक्टोज इंटॉलरेंस इज नॉट स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। अदर साइड इफेक्ट इज जो दूध में प्रोटीन होता है कैसीन, दैट ऑल्सो सम पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट गिविंग देम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। इसके अलावा लोगों को दूध से एलर्जी होती है एंड द बेस्ट नोन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मिल्क आर मोस्ट प्रॉबली एक्ने एंड जर्मो डिस्कम्फर्ट जो कि दूध पीने या कोई डेयरी प्रोडक्ट खाने के बाद उनको होता है। अब बात करते हैं कि क्या आजकल मिलने वाला दूध हमारे लिए खराब है? अगर तो दूध हम पी रहे हैं ऑर्गेनिक यानी कि ताजा काऊ या बफलो का दूध तब तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर ऐसा नहीं है तो एक बार सोचने वाली बात जरूर है क्योंकि जब भी पैक या फिर कमर्शियल मिल्क की टेस्टिंग हुई है कभी भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। ऐसे ही नहीं, जिस फेस्टिवल दिवाली पर हम भर भर के खोए और डेयरी की मिठाइयां खाया करते थे वो तकरीबन बंद बराबर है, ऑल बिकॉज ऑफ हार्मफुल डेडली एडल्ट्रेशन। मिल्क के अंदर टॉक्सिक एंड हार्मफुल केमिकल्स तो डाले ही जाते हैं, इसके अलावा काउज एंड बफलोज की मिल्क प्रोडक्टिविटी को डबल करने के लिए उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स फीड किए जाते हैं, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स उनको काफी बार खिलाए जाते हैं, विच ऑल टुगेदर डिटोरेट द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द मिल्क। आपको हैरानी होगी सुनकर कि दूध कितना गुणी है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उस डेयरी एनिमल की उम्र कितनी है एंड हाउ हैप्पी शी इज। बट कंसिडरिंग द फिल्दी कंडीशंस ऑफ डेयरी इंडस्ट्रीज इन इंडिया, आर दे हैप्पी? आई थिंक वी ऑल नो द आंसर। ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है पर ये फर्क डालता है। अब बात करते हैं कि इज मिल्क वाइटल फॉर हेल्थ? नो डाउट मिल्क इज हेल्दी, इट्स अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड, इसमें वो सभी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स लाइक इट डज बोन डेवलपमेंट, गिव क्वालिटी प्रोटीन, बिल्ड मसल, बूस्ट एनर्जी, इंप्रूव्स इम्यूनिटी, कंट्रोल एपेटाइट, इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन डी। अगर आपकी बॉडी टाइप को मिल्क सूट करता है देन देयर इज नो रीजन टू नॉट ड्रिंक इट, बट इन केस अगर नहीं करता तो भी कोई फिक्र वाली बात नहीं है बिकॉज मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ बट नॉट सो एसेंशियल क्योंकि
क्योंकि ऐसे बहुत से फूड आइटम्स हैं जिनको अगर अपनी डाइट का पार्ट बनाएं तो मिल्क वाले सभी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन लेवल्स एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, सोया मिल्क कैन बी कंपेयर टू काउ मिल्क. टेक फूड रिच इन विटामिन ए एंड कैल्शियम एंड यू विल बी सॉर्टेड. तो ये थी मेरी छोटी सी अवेयरनेस वीडियो. होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. इफ यू डिड देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर मोर सच थॉट प्रोवोकिंग वीडियोज. टेक केयर एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.